टू माई चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं रियलमी के एक स्मार्टफोन के बारे में। तो रियलमी ने साइलेंटली एक स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लॉन्च कर दिया है। एंड कौन सा है ये स्मार्टफोन? तो ये रियलमी का स्मार्टफोन कोई नया स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि 2018 का जो एक स्मार्टफोन है उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। एंड ये स्मार्टफोन का नाम है रियलमी C1 2019 एडिशन। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, नाम से तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि ये रियलमी C1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। एंड अब इसे अपग्रेडेड वेरिएंट को क्यों लॉन्च किया, क्या डिफरेंसेस है? तो कंपनी के हिसाब से काफ़ी यूज़र्स ने रियलमी को कंप्लेन किया था या फिर सजेशन दिया था कि प्लीज़ अब स्टोरेज फ्रंट पे कुछ काम करना। एंड उसी लिए येस, यहाँ पे ये अपग्रेडेड वेरिएंट लॉन्च किया गया है। एंड उसके अलावा रियलमी की फॉर्मर कंपनी ओप्पो ने अनाउंस भी किया है कि जब से रियलमी C1 मार्केट में लॉन्च हुआ है उस डेट से लेकर अब तक ये स्मार्टफोन के 1 मिलियन यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। तो ये से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि Realme C1 2019 एडिशन में अपने प्रीसीडर स्मार्टफोन से क्या डिफरेंसेस है। एंड मेजर डिफरेंस तो पता चल गया है कि स्टोरेज को लेके है, और क्या है तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट फ्रेंड्स, एज यूजुअल, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चले अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन, स्क्रीन एंड बॉडी को लेके। तो यस, उसका डिज़ाइन है वो अपने प्रीसीडर स्मार्टफोन के जैसा ही है। फ्रंट डिस्प्ले में नॉच दिया गया है, प्लास्टिक बॉडी ही है। स्क्रीन को लेके बात करें तो 6.2 इंचेस का स्क्रीन दिया गया है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 720 पिक्सल्स इंटू 1520 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है। तो अभी भी ये स्मार्टफोन को टॉल लुक तो मिल ही रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्क्रीन साइज। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑक्टोकोर प्रोसेसर विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट। तो प्रोसीडर के स्मार्टफोन को लेके कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। बात करते हैं रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को लेके, तो यस, यहाँ पे मेजर डिफरेंस दिए गए हैं। अभी ये साल दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, एक है 2GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा ये दोनों वेरिएंट्स में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड स्लॉट से मेमोरी को एटलीस्ट 128GB तक तो एक्सपेंड कर ही पाओगे। एंड बात आती है OS के बारे में, तो फ्रेंड्स अभी भी फिलहाल ये स्मार्टफोन में एंड्रॉइड ओरियो 8.1 ही दिया गया है, बट डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्मार्टफोन अपग्रेडेबल हो एंड्रॉइड 9.5 तक, सिंस एक लेटेस्ट वेरिएंट रहेगा। अब कैमरास को लेके बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मेजर इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। तो ये स्मार्टफोन में भी डुअल रियर कैमरा दिया गया है, एग्जैक्ट प्लेसमेंट एग्जैक्टली सिमिलर है उसके प्रीसीडर स्मार्टफोन को लेके। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर है f2.2, सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, ऑफ कोर्स फॉर डेप्थ सेंसरिंग, अपर्चर है f2.4। एंड रियलमी C1 2019 एडिशन स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, अपर्चर है f2.2। देखा जाए तो कैमरा वाइज अगेन ये स्मार्टफोन एग्जैक्टली सिमिलर है। ब्यूटिफिकेशन फीचर्स है, पोर्ट्रेट मोड है, लाइव मोड है, आपको HDR पैनोरामा मोड भी दिया जाएगा। एंड उसके अलावा ये स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फंक्शनलिटी भी दी गई है। एंड कैमरा में ऑफकोर्स हम फीचर्स वाइज एनहेंसमेंट देख सकते थे, बट फिलहाल इट इज़ सेम। इसके अलावा बैटरी को लेके तो ये स्मार्टफोन डिसअपॉइंट करता ही नहीं है। यहाँ पे आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज इन दिस प्राइस रेंज। इसके अलावा ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन आपको मल्टीपल कलर वेरिएंट्स में भी मिलेगा एंड डुअल सिम सपोर्ट भी करेगा। कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स को लेके बात करें तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करेगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, AGPS तो रहेगा ही, 3.5mm का ऑडियो जैक भी है एंड यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट ही दिया गया है। एंड अब सेंसर्स के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, एंबिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स दिए गए हैं, बट स्टिल इन दिस न्यू वेरिएंट 2019 का जो ये स्मार्टफोन एडिशन है वहाँ पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है उसके प्रीसीडर स्मार्टफोन के जैसे। क्यों नहीं दिया गया आई डोंट नो, बट यस, यहाँ पे ये चेंज ला सकते थे एंड दे सकते थे यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, बट फिलहाल नहीं है। एंड बात करते हैं ये स्मार्टफोन के अब प्राइसिंग को लेके, तो ये इसका जो बेस वेरिएंट है जो कि है 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज, उसका प्राइस सेट किया गया है ₹7,499 तो लगभग 7,500। एंड जो उसका हायर वेरिएंट है जो कि है 3GB रैम वाला, उसका प्राइस सेट किया गया है ₹8,499 विच इज़ ऑलमोस्ट 8,500। एंड ये स्मार्टफोन कब से अवेलेबल रहने वाला है? तो ये स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के स्टोर पे, रियलमी के ऑनलाइन स्टोर पे फरवरी 5th से अवेलेबल
अवेलेबल रहने वाला है एंड उसके बाद कंपनी डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट्स के थ्रू भी सेल करेगी। तो फ्रेंड्स ये थे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ओप्पो रियलमी सी वन 2019 एडिशन। उसके प्रीसीडर स्मार्टफोन को लेके तो कोई भी नया चेंज नहीं है एक्सेप्ट इन स्टोरेज वेरियंट। डेफिनेटली ये लोग फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकते थे ये स्मार्टफोन में एंड कहीं ना कहीं अगर चिपसेट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया होता तो डेफिनेटली एक अच्छा डिवाइस बन जाता। बट फिलहाल इतना ही है ये डिवाइस को लेके। हालांकि यस रियलमी सी वन चीपेस्ट डिवाइस था जिसमें नॉच दिया गया था, इट स्टिल फॉलोज द लेगेसी। स्मार्टफोन अच्छा है, आपका बजट लो है तो डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही था ये स्मार्टफोन को लेके। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।